अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, हज़ारा डिवीजन का ये डिस्ट्रिक्ट है और तकरीबन 1000 से ज़्यादा यहां पर आर्कियोलॉजी के पॉइंट मौजूद हैं। कुछ एक्सप्लोर हो चुके हैं और कुछ हम भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमें तारीख से पता चला है कि 3000 साल पुरानी तहजीब के यहाँ पर निशानात भी मौजूद हैं, वहाँ भी हम आपको लेके जाएंगे। इसके अलावा नए टूरिस्ट पॉइंट भी हम एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मानसरे के खानों की भी बात होगी। लेके जाएंगे हम आपको इन खूबसूरत वादियों में, जहाँ कहा गया है कि मुख्तलिफ स्टेट्स की भी हुक्मरानी रही है। तुर्क भी यहाँ पर आए हैं, तातारियंस का भी यहाँ से गुजर हुआ है, मुगल्स भी यहाँ से गुजरे हैं, बहुत कुछ है। आज के प्रोग्राम में चलते हैं इन खूबसूरत वादियों में। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला मानसेरा कुदरती सब्जाजारों, खूबसूरत झीलों और चरागाहों की सरजमीन है। मानसेरा शहर दो हाईवेज N35 करकरम हाईवे और N15 के संगम पर वाक़ है। मानसेरा को गेटवे टू कश्मीर भी कहा जाता है। मानसेरा के नाम के बारे में मुरखीन की मुख्तलिफ आराए हैं, जिनमें एक राय ये भी है कि मान महान से निकला है, जिसका मतलब बहुत बड़ा, जबकि सर झील को कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ किसी जमाने में बहुत बड़ी झील थी, जिसका तज़किरा तुज़के बाबरी में भी है। मानसेरा की तारीख तकरीबन 3000 साल पुरानी है और यहाँ से सिकंदर आज़म समेत कई नामवर जंगजू गुजरे हैं। हमारे साथ इस बात मौजूद हैं साहिबजादा जवाद साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तकरीबन PhD इनकी कंप्लीट होने वाली है और अपने इलाके के अलावा बेशुमार इनका एक्सपीरियर है। मुख्तलिफ वादियों का भी विज़िट कर चुके हैं, क्योंकि अभी हम मानसरे में, तो मानसरे की हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, कल्चर के ऊपर करते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तारीख हमें क्या कुछ बताने जा रही है। जी जवाद साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि मानसरे का असल नाम क्या था और किससे मानसेरा निकला है फिर? भाई साहब, मानसेरा का जो पुराना नाम था वो पखली सरकार था। अच्छा, तो इसको काफी अरसे तक पखली सरकार के तरह पखली रियासत थी उसका। ये बड़ी कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये तो इसकी अगर आप तारीख देखें ना, तारीखी तौर पे ये तो अलेक्जेंडर दी ग्रेट और फिर ये जो अशोका है, महाराज अशोका, उसके कत्पे भी यहाँ पे मौजूद है, तो ये कोई हजारों साल पुरानी बनती है। अच्छा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मन और सेरा, कुछ लोग कहते हैं कि मन और सेरा जैसे होता है ना सेरा, उस पर इसका मनसेरा हो गया। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे मनसर थी, एक बहुत बड़ी झील थी एक बहुत बड़ी। अच्छा। तो मनसर से मानसेरा हो गया। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे मान सिंह जो था, वो जब पंजाब का हिस्सा था तो वो उसके हुक्मरान थे, तो मान सिंह से ये मानसेरा हो गया। अच्छा, तो दिस वाज ऑल अबाउट मानसेरा, उसकी हिस्ट्री के बारे में सारा कुछ। अच्छा, और कितने वॉरियर गुजरे यहाँ से और स्टे किया उन्होंने यहाँ से? तो देखिये, इसकी तुज़के बाबरी में भी इसका मिलता है, तुज़के जहांगीरी में भी मिलता है और इस तरह बहुत सारी चीजों में मिलता है। तो यहाँ पे तुर्कों की हुकूमत भी रही है, यहाँ पे मुगलों की हुकूमत भी रही है, यहाँ पे सिखों की हुकूमत भी रही है और फिर डेफिनेटली बाद में अंग्रेजों की हुकूमत भी रही है। तो अभी मानसेरे की जरा हमें बताइएगा लोकेशन, जो इर्द गिर्द हमें दूर दराज वादियाँ नजर आ रही हैं, ये कौन कौन सी हैं? देखिए, मानसेरा जो है ये पखली सरकार, ये पखल वैली का दरवाजा है। अच्छा, नीचे नजर दौड़ाएं तो जो आपको नजर ग्राउंड आ रहा है ये सारा पखल वैली है और वो सामने बरेड़ी की पहाड़ी है। और ये भी बड़ी हिस्टोरिक जगह है कि ये जो बरेड़ी के ऊपर दुर्गा देवी है, ये प्री पार्टीशन हिंदू यहाँ पे इसकी पूजा पाठ किया करते थे। नीचे जो गणंग वाली ढंड कहते थे उसमें, वहाँ पे वो पवित्र होके स्नान करके तो वो फिर वहाँ पे जाके तो वो उसकी पूजा पाठ करते थे। वो लोग जिनकी औलाद नहीं होती थी और जो उनकी कराड़ियाँ थी, जो उनकी औरतें थी, वो नीचे इछड़ नाले में जाके स्नान करती थी और वहाँ पे एक बड़ा मंदिर है जिसे शिव मंदिर कहते हैं, तो उस मंदिर में जाके वो पूजा पाठ करती थी। मानसेरा के इर्द गिर्द का इलाका अगर देखा जाए, ये उसका मेन पॉइंट है। यहाँ से आपको दाएं तरफ ही पूरा मानसेरा फैला हुआ नजर आएगा और ये आपको एबटाबाद की जो पहाड़ियाँ हैं जिनमें खंडयानी है वो क्लियर नजर आएगी। ये सात चकिया, दाता, खुशाला वो इलाका है।